my dear viewer namaskar today we will continue the same topic that is introduction of chapter agriculture and in this topic we'll learn about rain fed agriculture friends you know this is the prime activity or this is the primary economical activity in the human history शो ले सी वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर दैट इज रेन फेड एग्रीकल्चर वॉट इज रेनफेड एग्रीकल्चर वेन क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर रिसीव्ड थ्रू रेनफॉल किसी खास क्षेत्र में किसी खास रीजन में वहाँ वर्षा की जो मात्रा है उसी के आधार पर वहाँ का खेती निर्भर करता है आपको मालूम हो कि हमारे देश के अधिकांश किसान गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं और उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं इतने पूंजी नहीं होते हैं कि वह सिंचाई के अन्य साधनों पर निर्भर करे इसलिए हमारे देश के अधिकांश किसान आपको वर्षा पर आधारित कृषि करते हैं जिसको वर्षाधीन कृषि कहते हैं या वर्षा आधारित कृषि भी कहते हैं उसी को अंग्रेजी में हम लोग रेनफेड एग्रीकल्चर कहते हैं ऑन 38.67% परसेंट एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन रेनफॉल आपको ज्ञात होगा कि हमारा देश जो है सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है सौदर्न पार्ट जो है कंप्लीटली ट्रॉपिकल क्लाइमेट के इन्फ्लुएंस में रहता है ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन है जिस वजह से यहाँ आपको वर्ष भर सूर्य ताप का मात्रा पर्याप्त उपलब्ध होता है लेकिन वर्षा की जो मात्रा है वह रीजन टू रीजन वैरी करता है क्षेत्र से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उसका मात्रा अलग अलग होता है साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों का जो प्रभाव क्षेत्र है वह भारत में अलग अलग जगह होता है उसकी मात्राएं अलग अलग होती है वर्षा का वहाँ जो मात्रा होता है वह भारी करता अलग अलग होता है या यू कहें उस रेनबियरिंग विंड का जो पहला क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में वह अत्यधिक वर्षा करते हैं लेकिन जैसे जैसे उस रेनबियरिंग विंड्स का दूरी बढ़ती चली जाती है डिस्टेंस बढ़ते चला जाता है और बीच में अगर कहीं कोई रोक टोक नहीं है रोक टोक आगे बढ़ता चला जाता है तो वह क्षेत्र जो है आपको अपेक्षाकृत कम वर्षा का क्षेत्र होता है तो कहने का मतलब जो मॉनसूनल रेनफॉल या मॉनसूनल रेनबियरिंग विंड्स है उसके बहने के दिशा और दशा पर हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा का मात्रा निर्भर करता है और वर्षा के मात्रा के आधार पर हमारे देश के किसान फसलों के प्रकार कृषि का तरीका इत्यादि को डिसाइड करते हैं कि वह किस तरह से करें कभी कभी वर्षा देर से आती है कभी पहले आ जाती है मतलब यूं कहें कि बिकॉज ऑफ इरेटिक नेचर ऑफ मानसून एंड अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसूनल रेनफॉल देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस डन इन आर कंट्री इसी तरह का रेनफेड एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस होता है अब इसमें है कि ये जो रेनफेड एग्रीकल्चर है यह दो तरह के होते हैं एक होता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर शुष्क भूमि कृषि और दूसरा होता है ह्यूमिड लैंड एग्रीकल्चर अर्थात आर्द्र भूमि कृषि यह जो है आपको वर्षा के मात्रा पर निर्धारित की जाती है जैसे यहां आप देखेंगे कि द एग्रीकल्चर इन द एरिया ऑफ लेस देन 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज नॉन एज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जिन क्षेत्रों में भारत के जिन इलाकों में जिन क्षेत्रों में पचहत्तर सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में आपको शुष्क भूमि कृषि की जाती है लेकिन जिन क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ह्यूमिड लैंड एग्रीकल्चर अर्थात आर्द्र भूमि कृषि की जाती है तो ये तो रहे आपको रेनफेड एग्रीकल्चर और उसके प्रकार के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो शुष्क भूमि कृषि है उसके क्या क्या और लक्षण गुण और दोष है उस पर हम लोग एक एक करके इस पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने देख लिया कि जिन क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या शुष्क भूमि कृषि कहा जाता है उन क्षेत्रों में किसानों को बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है कुछ चीज़ों का अन्यथा उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पूरे ड्रॉट की स्थिति हो कि हमारे देश में जो रेनफॉल का स्थिति है वर्षा का स्थिति है वह कभी कभी नगण्य हो जाता है पूरे ड्राउट की स्थिति हो जाती है और कभी कभी इतना वर्षा होता है कि वह बाढ़ ले आती है तो बाढ़ और सुखार ये हमारे कृषि का ट्विन प्रॉब्लम्स है ये जुड़वा समस्या है कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि भारतीय कृषि व्यवस्था या भारत भारत के आर्थिक क्षेत्र में बाढ़ और सुखाड़ जुर्मा समस्या है इसे स्पष्ट करें अर्थतंत्र के लिए जुआ है इसे स्पष्ट करें जुआ क्यों क्योंकि कभी कभी वर्षा अगर समय पर आ जाती है कृषि कार्य में प्रॉपर डोज ऑफ इरिगेशन उपलब्ध हो पाता है इस 38.67 परसेंट ऑफ एरिया में तो फसल उत्पादन अच्छी होती है उस समय हमारे जो है कोठी हमारे अनाज के भंडारण का स्थान भरा परा रहता है लेकिन जब यही बरसात समय पर नहीं आती है समय पर नहीं होता है तो फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है और वह हमारे अल्टीमेटली हमारे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है तो कहने का मतलब है कि इस वजह से इन इलाकों के खास करके ड्राई लैंड एग्रीकल्चरल रीजन के कृषकों को ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का पहला है मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर आर यूज हेयर सो दैट द स्टोर वाटर कैन बी यूज ड्यूरिंग ड्राई सीजन जब वर्षा पात नहीं होती है वर्षा का कमी होता है ड्रॉट की स्थिति हो जाती है तो वैसे स्थिति में किसान पहले से वर्षा के जल को जमा करने के लिए संचय करने के लिए उखर आप गांवों में देखते होंगे देहात में देखते होंगे कि वहां बहुत ज्यादा आपको पोखर मिलता है पोखर का क्या काम पोखर का एक तो यह है कि सूखा के समय में पोखर के पानी से अपने किसान अपने खेतों का सिंचाई करते हैं और दूसरा पोखर के पानी में वर्षा वाले दिनों में जो पानी संचित होता है उससे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है भूमिगत जल रिचार्ज होता है वह परकोलेट करके एंटर करके भूमिगत कर जल के रूप में संचित हो जाते हैं तो फिर उसे पंप सेट के माध्यम से हैंड पंप के माध्यम से हमारे देश के किसान निकाल कर सूखा के दिनों में अपने खेती को जारी रखता है अपने खेत का सिंचाई करता है तो एक तो लक्षण यह हो गया आपको ड्राई लैंड एग्रीकल्चरल एरिया का एक्सेस वाटर इज कंजर्ड फॉर द रिचार्ज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इस इस बात का मैंने अभी जिक्र किया कि जो एक्सेस वाटर होता है सिंचाई के बाद जो उसके पास पानी बच जाता है पोखर में वह धीरे धीरे आपको परकुलेट करके भूमिगत जल के रूप में परिणत हो जाता है अगला है ड्यू टू ड्राईनेस द अपर लेयर ऑफ सॉयल इज इरोडेड अबे बाय दी विंड दंड कृषि क्षेत्र में यह बहुत बड़ी समस्या है कि जो है टॉप स्वाइल वह अत्यधिक गर्मी के पड़ने के कारण जो है पूरा सूखा हो सूख जाता है और सूखने के बाद उसमें जो है वेदरिंग की प्रक्रिया शुरू होती है वह क्या होता है लूज हो जाता है और लूज होने के बाद आसानी से पवन जो है उसको इरोड कर देती है अपरदित कर देती है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इज मोस्टली डन बाय पुअर फार्मर्स हु हैव स्कर्सिटी ऑफ कैपिटल एंड नेसेसरी रिसोर्सेज टू टू डेवलप्ड एग्रीकल्चर मतलब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर उन इलाकों में होते हैं जहां किसान गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करता है या किसान गरीब होते हैं उसके पास मैंने पहले भी जिक्र किया कि उसके पास संसाधन का अभाव होता है उसके अपने बैल नहीं होते हैं उसके अपने हल नहीं होते हैं क्योंकि उसके लिए पूंजी लगता है उसके पास कैपिटल का अभाव होता है एग्रीकल्चरल टूल्स का अभाव होता है अगला है देयर इज लेस इनकम थ्रू एग्रीकल्चर हेयर एंड सो इट इज कंपेंसेटेड बाय Now due to pressure, the are into अब किसान के साथ समस्या क्या है कि इस इलाके के किसान जिसके आमदनी कम होते हैं उसका फसल का भी उत्पादन कमोवेश होता है जिससे कि उनका और उनके परिवार का पेट भर पाता है भरण पोषण मात्र हो पाता है थोड़ा बहुत अगर अवशेष बचता है तो उसको बेचकर वह तेल मसाले नमक का इंतजाम कर पाता है ऐसे स्थिति में जब किसानों को कोई शादी विवाह मुंडन श्राद्ध इत्यादि विशेष सामाजिक संस्कार या कुछ और सारा काम करना होता है दवा है अपना और अपने परिवारजन का अपने पशुओं का अगर इलाज कराना होता है तो उसके लिए दवा जुटाना होता है तो वह बहुत ही मुश्किल का समय होता है संकट का समय होता है इसलिए इन संकटों से उभरने के लिए किसान खेती के साथ साथ चूँकि खेती से उनको वैसे किसानों की सारे आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है वैसे में उन्हें एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन भी अपनाना पड़ता है जिसे हम पास्टोरल फार्मिंग कहते हैं अब वह पास्टोरल फार्मिंग भी वह पशुपालन भी दम तोड़ रही है वह भी खत्म होते जा रहा है क्यों खत्म होते जा रहा है दिनानुदिन उन किसानों के परिवार का शद, परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती चली जाती है और जैसे जैसे उनके परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उन्हें अधिक अनाज की आवश्यकता पड़ती है अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ती है तो क्या करता है जिन भूमि को वह चारागाह के रूप में इस्तेमाल करता है उस भूमि पर भी वह खेती किसानी आरंभ कर देते हैं चारागाह को क्लियर करके अगर उसमें खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं तो पशु का पेट नहीं भर पाता है और पशु का पेट अगर भरना चाहता है उसके अपने और अपने परिवार के बाल बच्चों का परिवारजनों का पेट भरना मुश्किल होता है तो ये दोहरी मार उसे झेलना पड़ता है हर हाल में बहुत ही अभाव का जिंदगी होता है गरीब किसानों का बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी को ध्यान में रखकर हमारे भारत सरकार और हमारे राज्य सरकारों ने बहुत सारे योजनाओं को आरंभ किया है इन किसानों को इन गरीब किसानों को सीमांत किसानों को सहारा देने के लिए और कौन कौन सा कार्य आरंभ किया है जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आई आर डी पी ग्रामीण विकास योजना बिलो पॉवर्टी लेवल जिसको बी कहते हैं और ए के लोगों को भी सहारा देने के लिए आर्थिक मदद करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है दूसरा है ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम सूखा प्रवरण क्षेत्र विकास योजना भी चलाई गई है जिसमें क्या है कि वैसे इलाके जो सूखा से प्रभावित है वैसे इलाकों के किसानों को सरकार जो है सिंचाई के लिए पंप सेट सब्सिडाइज रेट पर उपलब्ध कराती है सिंचाई के अन्य साधन भी कम मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराती है तो इस तरह के ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं डी डी पी उसके बाद ग्रेन इन रिटर्न ऑफ वर्क्स एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मतलब कार्य और रोजगार के बदले अनाज प्रोग्राम भी सरकार के द्वारा आरंभ किए गए खेत के अलावे भी किसान अगर सरकारी उपक्रम में कोई काम करते हैं जिस समय वह खेती करने की स्थिति में नहीं होता है तो उसके बदले उसको अनाज उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनके भूख का समन हो उनके भूख जैसी समस्या का समाधान हो सीड ऑफ क्विक येराइटीज आर बींग प्रिपेयर्ड एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर इज बींग डेवलप्ड आज दुनिया तेजी से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी आज एक नए विधा बनकर उभरी है जो खास करके एग्रीकल्चरल या कृषि क्षेत्र के लिए एक से एक नई नई जो हाई वेराइटीज सीड्स के हैं उसको इवॉल्व कर रहा है उसको डेवलप कर रहा है साथ ही साथ नए नए टूल्स इम्प्लीमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मदद से जो न सिर्फ कृषि के साथ समस्याओं का समाधान करता है बल्कि कृषि कार्य में लगे हुए किसानों का भी किसानों के भी समस्याओं का निदान कर रहा है अगला है टेक्निक टू कंट्रोल वाटर लॉस एंड इट्स स्टोरेज टू तो बी प्रिपेयर्ड अब ऐसे ऐसे यंत्र बनाए जा रहे हैं जैसे स्प्रिंकलिंग इरिगेशन सिस्टम में क्या है फब्बारे के माध्यम से खेतों में सिंचाई की जाती है पानी की उसमें बर्बादी कम होती है और फसलों के जड़ों के आसपास पानी पहुंचाए जाते जिसमें पानी की बर्बादी कम होती है वाटर लॉजिंग कम होता है लेकिन फसल को जो आवश्यक डोज ऑफ इरिगेशन है एसेंशियल डोज ऑफ इरिगेशन है दैट इज मेड अवेलेबल टू द स्टैंडिंग क्रॉप्स इन द फील्ड इस तरह से क्या है कि नए नए टेक्निक्स का इजाद किया जा रहा है हमारे इवल्विंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिससे पानी का कम से कम बर्बादी होती है और आवश्यक जो मात्रा है वह फसलों को और क्रॉप्स को उपलब्ध हो पाता है इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त भी आपको पास्टोरल फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग आर बींग डेवलप्ड एज सप्लीमेंट टू एग्रीकल्चर पालन को बढ़ावा देने के लिए पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडाइज रेट पर उनको लोन मुहैया कराया जाता है ताकि जो बढ़ती हुई संख्या है जो किसान के परिवार में नए नए सदस्य जुड़ते जा रहे हैं जिनकी आवश्यकता उनके साथ उनके खेत में नहीं होता है उन्हें इस अलग तरह के रोज रोजगार में शामिल किया जाए और उनके आमदनी को बढ़ाया जाए ताकि वह भी आर्थिक रूप से सबल और समर्थ हो सके कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो बींग डेवलप्ड साथ ही साथ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है आ, उसे किसानों को लोगों को गरीब लोगों को बी लोगों को और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं समाज में उनको जो है कम रेट पर कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराए जाते हैं ताकि जो नए सदस्य परिवार में ऐड हो रहे हैं वह जो है उन सारे कार्यों में संलग्न हो सके ताकि किसान के परिवार का खेत होता है उस पर ही सिर्फ निर्भर न रहे और उसकी आर्थिक स्थिति दिना दिनानुदिन खराब ना हो आर्थिक स्थिति भी सुधरे इन चीज़ों को ध्यान में रखकर सरकार एक से एक स्कीम ला रही है और उन गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सबल बनाने का कार्य कर रही है फॉर सेमी ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन आई सी आर आई हैदराबाद सेंट्रल ड्राई एरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर इज वर्किंग फॉर द रिमेडी ऑफ ड्राई लैंड एरिया एंड अदर एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम शुष्क भूमि कृषि से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए ये दोनों संस्था जो है काम कर रही है ड्राई लैंड एरिया में किस तरह के इसे प्रौद्योगिकी का टेक्निक्स का टेक्नोलॉजी का विकास किया जाए ताकि उन क्षेत्रों में जो है जो क्षेत्र पूरी तरह से वर्षाधीन होता है वर्षा पर आधारित होता है उस क्षेत्र उन क्षेत्रों में वर्षा का विकल्प ढूंढने का प्रयास कर रही है आपको मालूम भी है मालूम भी होगा कि आजकल जो है बड़े बहुत बड़े भूभाग में आर्टिफिशियल कृत्रिम वर्षा कराई जाती है जब ड्राउट की स्थिति होती है तो ये सब जो है शोध रिसर्च का उपज है उसके माध्यम से और बहुत सारे क्षेत्रों में इन क्षेत्रों के समस्याओं के समाधान के लिए ये इस तरह के जो समानांतर संस्थाएं हैं काम कर रही है इसी के साथ आप सभी को जय हिंद धन्यवाद